नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर पुलिस ने मंदिर में चोरी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से मंदिर में स्थापित देवी प्रतिमा के जेवर और शिवलिंग पर चढ़े तांबे के सांप को भी बरामद किया। कोतवाली थाना प्रभारी राजेश बंजारे ने बताया कि मन्नू लाल ट्रस्ट अस्पताल के पास स्थित मंदिर के सुखदेव सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मंदिर में स्थापित मूर्ति के जेवरात और शंकर भगवान पर चढ़े तांबे के सर्प को किसी चोर ने चोरी करके ले गया। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो मंदिर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। पुलिस ने मंदिर के सीसीटीवी फुटेज देखे तो पुलिस भी दंग रह गई। बताया जा रहा है कि मूर्ति के जेवरात को चोरी करने वाला भारत दुबे नामक व्यक्ति रात में मंदिर में स्थापित मूर्ति के पास नग्न होकर मूर्ति पर चढ़े जेवरातों और गहनों को निकाल रहा था। इसके अलावा शंकर भगवान के तांबे के सांप को भी चोरी करके ले गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भारत दुबे नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके पास से चोरी किए गए सारे जेवरातों को बरामद किया। पुलिस ने आरोपी पर चोरी का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। ये मनूराल अस्पताल के पास एक मंदिर है, माता का मंदिर है और शंकर जी का भी मंदिर है। कल सुखदेव सोनी ने रिपोर्ट की थी कि उस मंदिर में लगातार चोरी हो रही है। पहले भी दो तीन बार चोरी हो गई। माता के छत्र, चांदी के जेवर, मुकुट, चूड़ियाँ ये चोरी कर ली गई है और शंकर भगवान की पिंडी के पास से सांप तांबे का और तांबे के कुछ और बर्तन थे वो भी वहाँ से चोरी हो रहे हैं। इस पर हमने एक अज्ञात खिलाफ़ एक प्रकरण पंजीबद्ध किया था और इसकी तलाश की आरोपी की। तलाश करने पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले देखा गया तो एक व्यक्ति मूर्ति पे से जेवर उतारते मिला और मूर्ति के पास नग्न अवस्था में खड़े हुए मिला, जो देखने में कई लोगों को बेकार लग रहा था। जो फरारी थे उन्होंने देखा। इस पर हमने चोरी का मुकदमा और 295 का मुकदमा कायम किया था। लगातार पतारसी करने पर हमें चोर के बारे में पता पड़ा और चोर को हमने कल गिरफ्तार कर लिया और चोरी गया मुस्तक बरामद कर लिया, न्यायालय भेज दिया जहाँ से वो जेल में चला। चोर का नाम भरत दुबे है और मुकेश, ये पहले भी कई मामलों में गया। इसका रिकॉर्ड देखा तो इसके खिलाफ 11 मामले हैं। हत्या का भी एक मामला है इसके खिलाफ है। हत्या में सजा भी इसको हुई है। लगभग कितनी सामान हुई? लगभग 20 से 25 हज़ार के आसपास का ही सामान। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।